नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। बावल विधानसभा में 51 दावेदारों को पछाड़कर कांग्रेस की टिकट हासिल करने वाले पूर्व मंत्री डॉक्टर एम एल रंगा ने वीरवार को बावल में अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने से पहले पूर्व मंत्री एम एल रंगा ने बावल अनाज मंडी में शक्ति प्रदर्शन भी किया। वहीं शक्ति प्रदर्शन के दौरान उमड़ी भीड़ के उत्साह से स्पष्ट दिखाई दिया कि बावल में मुकाबला कांटे का होने वाला है। वहीं रंगा ने बावल के लिए अपना विजन साझा करने के साथ ही अपनी जीत का रोड मैप भी समझाया। वहीं लोग उनको वोट क्यों दें यह भी बताया। राव के सहयोग के सवाल पर रंगा ने कहा कि पूर्व सीएम राव बीरेंद्र सिंह उनको अपना बेटा मानते थे, राव का आशीर्वाद है और रहेगा। अब आपको दिखाते हैं नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से रूबरू हुए पूर्व मंत्री बावल से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर एम एल रंगा ने क्या कहा। आज सबसे पहले तो मैं जो हमारे कांग्रेस पार्टी के आला कमान है, राहुल जी है, हमारे खड़गे साहब हैं, यहाँ हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, चौधरी उदयवान जी हैं, कैप्टन राजेश सिंह यादव हैं, तो मैं जिनका आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने पूरा सर्वे करवा करके देख करके कि भी मुझे इस योग्य समझा कि मैं बावड़ की टिकट मुझे मिले। और जैसा उन्होंने भरोसा जिताया है, मैं भी रात और दिन, मेरे सारे साथी, मेरे पास अपनी टीम है, मैं यहाँ के लिए नया नहीं हूँ, मैं हर गली, हर मोहल्ला, हर व्यक्ति को जानता हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे फिर भरोसा जताया है। और आज के लोगों के नामांकन पर उत्साह को देख करके, लोगों की मिलनसारिता को देख करके, और मैं 8-10 साल से लगातार उनके बीच में रहा हूँ, सुख में, दुख में, ब्याह में, शादी में, मरने में, जी हर तरह से, मैं तो एक एक गांव में मेरी 20-20, 30-30, 40-40 विजिट हो चुकी है, तो मैं किसी गांव के लिए, किसी बच्चे के लिए नया नहीं हूँ। तो वो मुझे अपना मानते हैं, मैं उन्हें अपना मानता हूँ। निश्चित रूप से इस अपनापन का मुझे फायदा मिलेगा और बावड़ को मैं अपना परिवार मानकर चल रहा हूँ। 25-30 साल हो गए, चाहे मैं सत्ता में रहूँ या बाहर रहूँ, लगातार उनके सुख में दुख में आना, परिवार की तरह काम आना, ये मेरी एक सिफत रही है। और मैं समझता हूँ इसी के बूते पर मैं कहता हूँ कि यहाँ की लोहा के लोग, यहाँ की जनता, यहाँ के परिवार के लोग मुझे वोट भी देंगे, जीतूंगा भी। और आज के दिन सबके मन में भारतीय जनता की पार्टी के प्रति रोष है, चाहे वो बेरोजगारी के प्रति हो, चाहे महंगाई के प्रति हो, या निजीकरण के प्रति हो, या जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसके प्रति हो, बेरोजगारी की, महंगाई की जो मार झेल रही है जनता, यानी यहाँ तक लोगों की जमीन एक्वायर की थी, पैसे दे दिए, वो पैसे वापस मांग रहे हैं, कई गांव में इस चीज़ के दंश को झेल रहे हैं, कई गांव में 100 साल से गांव बसा हुआ है, आज उनके गांव जो है रजिस्ट्री पंचायत के नाम, सरकारी, सरकार ने अपने नाम कर ली, ना तो वो ज़मीन बेच सकते, ना उस पर कुछ लोन ले सकते। तो ऐसी जो मूलभूत सुविधाएँ इस इलाके की है वो कोई अनदेखी की गई है, चाहे वो बस स्टैंड बना, कोई भी बस आज तक नहीं गई। आपका जो है, आपकी ये कोर्ट देखिए, यहाँ के लिए ना कोई रिक्शा मिलता है, ना कोई तांगा मिलता है, बुजुर्ग बेचारे परेशान होते हैं, छूटते कहते हैं कहाँ बना दी कोर्ट। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके उनके लिए मूलभूत सुविधाएं करना ये मेरा फर्ज होगा, कर्तव्य होगा। और मैं बावड़ की जनता के लिए जितना मैं कर सकूँ, मैं पत्रकारों के माध्यम से भी, प्रेस के माध्यम से, और वैसे भी मैं ये विश्वास दिलाता हूँ मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। तमाम कैंडिडेट लाइन में थे, टिकट की दावेदारी कर रहे थे, उनको किस तरह से साथ लेकर कर रहे थे, आप तो पर विश्वास जताया। जब से मुझे रात को 1 बजे टिकट मिली, तभी से मैंने सबको टेलीफोन किया और सब मेरे साथ हैं। आधे से ज्यादा लोग आज आ गए थे, कोई बाहर के नहीं भी आ पाए, और सब ने कहा जी हम आपका साथ देंगे। मैं सबको टेलीफोन करने के बाद ही नामांकन लेने चला हूँ, तो नहीं आएगा तो दोबारा बुला लेंगे, कोई ऐसा नहीं, हमारा कोई मनमुटाव नहीं, हम सामाजिक व्यक्ति हैं। और जब मैं चुनाव से पहले सरेआम कह चुका हूँ, टिकट एक को मिलनी है और जिसको भी मिलेगी मैं तन मन और धन से उसके साथ रहूँगा, उसको जिताना हमारा फर्ज है। बीजेपी प्रत्याशी है डॉक्टर किरण कुमार, कितना चैलेंज समझते हैं आप उनके साथ? देखिए, बीजेपी का बारे में पीछे भी आपने राज्यसभा में देखा था, राज्यसभा में 6-6 बार के MP रह चुके थे, थोड़ा बहुत अंतर रह गया, जो 6-6 लाख से जीतने वाले थे उनको 70,000 पे लगा दिया। अब जो नया आदमी, गांव की गिनती जिसके पास नहीं, गलियों की गिनती जिसके पास नहीं,
बूथ की गिनती उसके पास नहीं, कार्यकर्ताओं की गिनती किसी के पास नहीं, तो दूसरे के कार्यकर्ताओं के दम पर जो चुनाव लड़ने आता है तो वो अपने कार्यकर्ता बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, तो उनको तो टाइम लगेगा। मैं अपनी शुरुआत ही कार्यकर्ताओं से की है, मैंने अपनी शुरुआत ही 20-25 हज़ार कार्यकर्ताओं से की है। आज सारे कार्यकर्ता एक मैसेज के सहारे आए थे, आपने देखा, तो मुझे अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा है और किसी भी व्यक्ति को हम कमज़ोर नहीं समझते, पढ़े लिखे हैं, अच्छा है, मेहनत करनी भी चाहिए, और जब तक पहलवान ताड़े का ना हो तब तक अच्छा भी नहीं, अच्छी बात है, उनको भी काम करना चाहिए, हम भी काम करेंगे और लोग जिसको अच्छा समझेंगे वोट देंगे, आज प्रजातंत्र है। विधानसभा में क्या विकास कार्य जो नहीं हुआ जो आप करेंगे? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, बाल विकास में सबसे मूलभूत सुविधाएं, पहली बात जो ट्रॉमा सेंटर मेरे स्वास्थ्य मंत्री के काल में मंजूर हुआ था, वो ट्रॉमा सेंटर जीटी रोड पर होना था और वो ट्रॉमा सेंटर आज नहीं हुआ, उसकी जगह बस स्टैंड बना दिया, बस स्टैंड पर आज 86 लोग, कोई भी बस नहीं आई। अगर उसको ट्रॉमा सेंटर बना देते जितने एक्सीडेंटल केस होते वो आते और आकर कम से कम राहत मिलती। दूसरा, ये कोर्ट दूर बना दी, इसके लिए कोई सुविधा ई रिक्शा बावड़ में कोई उपलब्ध नहीं है, खड़ा रहते हैं किसी मोटरसाइकिल की बात में, यानी इसको भी मैं चाहूँगा कोई ना कोई सुविधा उनके लिए लगाई जाए, बस की सुविधा हो, घंटे में आए लेकर के जाए। और तीसरा, एक हमारा बस स्टैंड है बावड़ के बीच में, जहाँ से सुबह 5:10 तक लगातार 20-25 साल तक बस जाती थी दिल्ली के लिए, रेवाड़ी होकर के, धारवाड़ा होकर के, वो 10 साल से क्यों बंद हो गई, जबकि जगह भी वही है, सब कुछ वही है, तो लोग जाना चाहते हैं तो कम से कम ऐसी सुविधा तो हो। अंदर बस स्टैंड की जगह खाली, 4 एकड़ जगह खाली है, अगर सिटी बस स्टैंड चला दिया जाए, यहाँ से रिवाड़ी के लिए लोकल बस चला दी जाए, यहाँ से गांव के लिए लोकल बस चला दी जाए, तो मैं समझ लोगों को बड़ी पुराने की राहत मिलेगी। दूसरा, इस इलाके में कोई तकनीकी संस्थान नहीं है, चाहे पॉलिटेक्निक हो चाहे ITI हो, जबकि आज ये डिमांड है हमारी कि जहाँ कंपनियाँ हैं वहाँ पर पॉलिटेक्निक होने चाहिए। अब 3 कंपनियाँ मारुति की, हीरो होंडा की, होंडा सिटी की, जो यहाँ से गुजरात चलेगी कोरोना के टाइम में, और हमारे यहाँ के 300-300 लोगों को यहाँ से निकाल दिया गया यह कहकर कि ये सरप्लस है, और वहाँ जाती 48 हज़ार की भर्ती कर ली, तो ये नुकसान हमारे इलाके का है। जो निजीकरण चल रहा है, हमारे इलाके के लोगों को भर्ती नहीं किया जाता लोकल लोगों के नाम से। पिछली सरकार ने कानून बनाया था कि 75% यहाँ के लोगों को लेंगे, लेकिन 75% से निकाल जरूर दिए, लिया कोई नहीं। तो ये सुविधाएं हैं जो शिक्षा की मूलभूत सुविधाएं हैं, जो स्वास्थ्य की है। बताया जाता है दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत के आशीर्वाद के बिना जीत नहीं हो सकती, तो आप अपनी जीत किस तरह निश्चित समझते? नहीं, आप ये कैसे समझते हैं राव इंद्रजीत का आशीर्वाद नहीं, वो तो हमारे बड़े हैं, मेरे गाँव के हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद तो है ही भाई। मेरा जो घर है, मेरा जो गांव है, उनकी जमीन में है, पार्टी नहीं छोड़ी, हम सामाजिक बात कर रहे हैं, उनकी गांव में बसा हुआ हूँ, उनकी जमीन पे बसे हुए हैं, हम तो कोई जानते उनके जमीन, उनके दादा परदादा ने जमीन हमें दी, हम बसवरा गांव बसाया हुआ है, और राव वीरेंद्र तो हमारे परिवार को मानते थे, कई छोटा सी शादी तब भी मानते थे, तो हम पारिवारिक तौर से सामाजिक तौर पर एक है, और राजनीतिक भी कोई दूसरे लोग मानते हो, लेकिन वो आज भी मुझे अपने गांव का मानते हैं, और राव वीरेंद्र तो मुझे अपना बेटा मानते हैं। तो आपको लगता है कि वो अपनी पार्टी छोड़ के आपको आशीर्वाद? छोड़ के क्या, उनका आशीर्वाद था और है और रहेगा, आशीर्वाद के लिए पार्टी छोड़ने की जरूरत नहीं है।